कार्य किया है, पूरे देश को दुनिया में नाम और यश बनाने का काम किया है। और इसलिए तुम्हारा 2022 में भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। वो कह रहे हैं उनके पास आधार हो सकता है, हम लोग भी कह रहे हैं कि उनके भी कई विधायक हम लोग के संपर्क में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ऐलान हो हम लोग सपा छोड़ के और बसपा छोड़ के भाजपा में आ जाएं। क्या इस बार बुआ बबुआ का कोई जादू चलेगा यूपी में? देखिए विपक्ष है तो लड़ेगा ही, जादू चलाती है जनता, जनता जादू चलाएगी और वही जादू काम करेगा जो जिसका जनता जादू चलाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है जनता का जादू कमल के फूल के साथ है, फिर से योगी की सरकार बनेगी। 2014 से लेके 17, 18, 19 के सफर से 22 के सफर को हम तय करने जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि योगी की सरकार फिर से बनेगी। प्रियंका गांधी आ गई है और कह रही है लड़की उनका मुद्दा मेन महिलाओं पे। देखिए उनका कहना अपनी जगह सही है, लड़की है लड़ सकती है, सही है, और प्रदेशों में भी उनकी सरकार है, लड़की है लड़ सकती है, कितनी सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में ही क्यों लड़ रही है और राज्यों में क्यों नहीं लड़ रही है, और राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां भी लड़ें। मैं कहता हूं सिर्फ भाजपा के क्षेत्रों में ही क्यों लड़ रही है, अगर उन्हें इतनी चिंता है तो राजस्थान भी देख लें, झारखंड भी देख लें, छत्तीसगढ़ भी देख लें, बहुत सारे उनके ऐसे राज्य हैं जहां पे लड़कियां परेशान हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि कोरोना के दौरान और 5 साल जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी सब आराम किए, यही 6 महीने में अब काम करने लगी हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे ओवैसी हो या एबीसी कोई हो, चुनाव आया है तो सब निकल पड़े हैं, चुनाव ना होता तो सब अभी घर आराम कर रहे होते। लाल टोपी से जनता को अलर्ट रहने की जरूरत क्यों है? लाल टोपी से जनता को अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है कि जब हम चुनाव के मैदान में लड़ते हैं और दो दल लड़ते हैं तो दो दल अपनी अपनी बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं तो पक्ष विपक्ष पे हमला करता है, विपक्ष पक्ष पे हमला करता है। ये नीतिगत मुद्दे हैं और नीतिगत मुद्दों में हम एक दूसरे को ये जागृत करते रहते हैं कौन फायदेमंद है कौन नुकसानदेह है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तय है कि जनता ने तय कर लिया है कि सरकार भाजपा की हम बनाएंगे, तो इसमें लाल टोपी और टोपी मुझे नहीं लगता इसका कोई महत्व है।